दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है अमीर बहू के गरीब ससुराल की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। आकाश एक ऑटो रिक्शा चलाता था। जब वो 15 साल का था, तब उसके पिता का देहांत हो गया था। इसी कारण आकाश को ये घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी और कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर पिता के ऑटो चलाने का काम आकाश ने संभाल लिया। आकाश की बड़ी बहन प्राची की शादी में उसके पिता ने जो कर्जा लिया था, उसे उतारने के लिए आकाश ने अपना घर भी बेच दिया और अपनी माँ के साथ किराए के घर में रहने लगा। आकाश की बड़ी बहन प्राची अपने ससुराल में खुश है, इस बात की उसे बहुत तसल्ली है। माँ, प्राची दीदी का मेरे मोबाइल पर फोन आया है, तुम बात कर लो, फिर मैं ऑटो लेकर काम पर निकलता हूँ। हेलो प्राची दीदी, ये लो, माँ से बात करो। हाँ बेटी, अपना अच्छे से ध्यान रखा कर, खूब खाया पिया कर, इससे बच्चे की सेहत पर अच्छा असर होगा। अब बस यही इच्छा है कि जल्दी से मैं नानी बन जाऊं। और आकाश मामा, हाँ वो तो है, अब मामी कहलवाने वाली आ जाए बस, तो मैं सुकून से तीर्थ यात्रा पर निकल जाऊं। नहीं नहीं, अपने नाती पोतों को खिला कर ही तीर्थ यात्रा पर जाऊंगी। माँ, बस आकाश के लिए अच्छी सी लड़की ढूंढ लो जो घर को संभाल ले। माँ, मुझे देर हो रही है, बाद में बात कर लेना ना आप। अच्छा प्राची, मैं तेरे से बाद में बात करती हूँ, आकाश को देर हो रही है। आकाश ऑटो लेकर काम पर निकलता है। उससे पहले ही बहुत देर हो चुकी थी, पर रास्ते में ट्रैफिक भी बहुत था। वो सवारी का इंतजार कर रहा था, तभी उसका एक साथी जो उसकी तरह ही ऑटो चलाता था, वो किसी लड़की से झगड़ा कर रहा था। अरे देखिए मैडम, ऐसा थोड़ी ना होता है, जो आपने मुझे यहाँ छोड़ने के लिए पैसे तय किए हैं, तो चुपचाप मेरे पैसे मुझे दे दो ना। भैया, मैंने आपको बोला ना, मेरा पर्स रास्ते में कहीं गिर गया, मेरा मोबाइल फोन भी उसी में है और सारे पैसे भी, मेरा पर्स कहीं भी नहीं मिला। मैं तुम्हें बोल रही हूँ ना, मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दो, मैं तुम्हारे नंबर पर पैसे भेज दूंगी। अभी मुझे बहुत देर हो रही है, मुझे वो सामने वाले होटल में एक फंक्शन में पहुँचना है। क्या हुआ अखिल, लड़ क्यों रहे हो सुबह सुबह? अरे देखना यार, सुबह सुबह पहली सवारी मिली और वो भी मुझे पैसे देने के लिए मना कर रही है। इन मैडम का पर्स कहीं खो गया है और मुझसे कह रही है कि पैसे बाद में दे दूंगी। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है भाई। कोई बात नहीं अखिल, कभी कभी किसी की परेशानी को भी समझना चाहिए। एक काम कर, तेरे कितने पैसे बने हैं? मैं दे देता हूँ, ये मैडम मुझे बाद में पैसे दे देंगी। आकाश अखिल को ऑटो के पूरे 300 रुपए दे देता है। थैंक यू सो मच, मेरा नाम अनन्या है, आप मुझे अपना फोन नंबर दे दो, मैं आपके नंबर पर ऑनलाइन पेमेंट भेज दूंगी। बाकी अगर मुझे देर ना होती तो मैं आपको पैसे अभी दे देती। कोई बात नहीं मैम, ये लीजिए मेरा नंबर। अनन्या नाम की वो लड़की आकाश का मोबाइल नंबर ले लेती है और अगले ही दिन आकाश के मोबाइल पर पैसे ट्रांसफर कर देती है। हेलो, आपके पैसे मैंने अकाउंट में भेज दिए हैं, आप एक बार चेक कर लीजिए और कल के लिए एक बार फिर से थैंक यू, आपने अनजान होकर भी मेरी मदद की। अनन्या और आकाश बात करने लगते हैं। अनन्या को आकाश से बात करना बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद एक दो बार अनन्या की मुलाकात
मार्केट में आकाश से हो ही जाती है। फिर वो दोनों धीरे धीरे दोस्त बन जाते हैं। लेकिन आकाश को पता चलता है कि अनन्या एक बहुत ही अमीर खानदान की लड़की है, तो वो उसे समझाते हुए कहता है, अनन्या तुम बहुत ही अमीर खानदान की लड़की हो, तुम में और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। मैं एक मामूली ऑटो रिक्शा चलाने वाला गरीब लड़का हूँ, तुम्हारा और मेरा यूँ दोस्ती रखना ठीक नहीं है, प्लीज तुम मुझसे मत मिला करो। तुम ना मिलने की बात कर रही हो, पर आज तो मैं तुम्हें अपने प्यार का इजहार करने के लिए आई थी। मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ आकाश, मैं अपनी आगे आने वाली पूरी लाइफ तुम्हारे साथ खुल कर जीना चाहती हूँ। अनन्या ये कहते फूट फूट कर रोने लगती है और आकाश उसे गले लगा लेता है। अनन्या अपनी मम्मी पापा से इस बारे में बात कहती है और जबरदस्ती आकाश से शादी करने के लिए मना लेती है। इधर आकाश भी अपनी माँ और बहन से इस बारे में बात करता है और एक शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी हो जाती है। अनन्या का स्वभाव बहुत अच्छा था, उससे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि उसके ससुराल वाले गरीब हैं, ना ही उसने कभी इस बात की कोई शिकायत की। अनन्या तुम मेरे साथ शादी करके खुश तो हो ना? हाँ आकाश, मैंने तुम्हें दिल से प्यार किया है, मैं तुम्हारे साथ बहुत खुश हूँ। माँ जी, प्राची दीदी सब मुझे कितना प्यार करते हैं, मुझे तो महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपना घर छोड़ कर आई हूँ। तभी अनन्या की सास भी वहाँ पर आ जाती है। जीती रहो बहू, हम बहुत भाग्यशाली हैं कि इस घर को तुम्हारी जैसी बहू मिली। अनन्या भाभी ये देखो, मैं आपके लिए नई साड़ी लेकर आई हूँ, आज आप शाम को कीर्तन में यही साड़ी पहनना। प्राची दीदी ये साड़ी तो बहुत सुंदर है, ठीक है पर एक शर्त पर, आज आप मुझे खुद ही तैयार करोगी, प्रॉमिस। अनन्या की बातें सुनकर प्राची की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि उसे इतनी प्यारी सी भाभी से इतना प्यार और सम्मान मिलेगा। कुछ ही दिनों में अनन्या ने सबके दिल में एक अलग ही जगह बना ली थी। अब तो अनन्या के बिना कोई भी नहीं रह पाता था। प्राची को एक प्यारी सी बेटी पैदा होती है और इधर अनन्या भी गर्भवती हो जाती है। अनन्या के माँ बनने के बारे में जब उसके मम्मी पापा को पता चलता है तो वो उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आते हैं। पर अनन्या का घर देखकर दोनों ही मुंह बनाने लगते हैं। अनन्या बेटी तुम अपने मम्मी पापा के पास बैठो, रसोई से चाय और नाश्ता मैं ले आती हूँ। क्या बात है अनन्या, तुम इस हालात में भी घर के काम खुद ही करती हो क्या? तुम्हारे घर में कोई नौकर चाकर नहीं है क्या? कैसी बातें करती हो मालिनी, तुम जानती भी हो तुम्हारी बेटी किस घर में भी आई है, यहाँ दो वक्त की रोटी खाने के लिए भी सोचना पड़ता है, एक टाइम की सब्जी दूसरे टाइम खाते होंगे, ये भला क्या नौकर चाकर रखेंगे? नहीं पापा, ऐसी कोई भी बात नहीं है, माँ जी और आकाश ने कई बार मुझसे कहा है कि मैं घर में कोई काम वाली रख लूं, पर पूरा दिन मैं घर पर ही होती हूँ, मेरा भी मन नहीं लगता और फिर मैं तो कुछ भी नहीं करती, सारा काम तो माँ जी खुद ही करती हैं। ये लीजिए चाय। अनन्या बेटी तुम्हें ये समोसे बहुत पसंद है ना? मैं हलवाई से खरीद कर लाई हूँ, अपने मम्मी पापा को भी दो बेटा। ओ नो 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 नो, मैं ऑयली फूड बहुत कम खाती हूँ और अनन्या तुम भी ये सब मत खाया करो, तुम्हें इस टाइम में जूस फ्रूट ये सब लेना चाहिए। बहन जी आप तो समझदार हैं,
ये समोसे वगैरह ये सब बहुत नुकसानदायक हैं। मम्मी आप मेरी टेंशन मत लो, माँ जी मेरा पूरा ख्याल रखती हैं। वो मुझे समय पर जूस फ्रूट दूध दही सब्जियाँ और सब कुछ खाने के लिए दे देती हैं। तभी अनन्या की नंद प्राची भी वहाँ पर आ जाती है। अनन्या भाभी मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है, कल सुबह 11 बजे आपको मेरे साथ चलना है तो आपका पूरा चेकअप हो जाएगा और बाकी जो इंजेक्शन वगैरह। अरे प्राची तुम्हारा कौन से हॉस्पिटल में बच्चा हुआ था जिस डॉक्टर के बारे में तुम बात कर रही हो? जी वो बड़े बाजार में जो हॉस्पिटल है जहाँ डॉक्टर काजल बैठती हैं। अरे वो सस्ता बेकार सा हॉस्पिटल। अनन्या तुम उस हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कितना चीप है वो हॉस्पिटल। अनन्या तुम एक मामूली से हॉस्पिटल में चेकअप के लिए जाओगी, तुम चिंता मत करो, इन लोगों के पास अगर तुम्हारे इलाज के लिए पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे लिए इस शहर के सबसे बड़े नामी हॉस्पिटल में आज ही बात कर लेता हूँ। और तुम अभी के अभी अपना सामान पैक करो और हमारे साथ वापस घर चलो। किसके घर? आपके घर पापा। मैं अभी अपना ये घर छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती, मुझे डॉक्टर काजल जो कि बहुत बड़ी और एक समझदार डॉक्टर हैं, उन्होंने प्राची दीदी की नॉर्मल डिलीवरी की है, उन्होंने मुझे पूरा रेस्ट करने के लिए बोला है। और शायद आपने ठीक से सुना नहीं, मुझे कल प्राची दीदी के साथ डॉक्टर के पास जाना है। आप थोड़ी देर और बैठेंगे या फिर जा रहे हैं? क्योंकि अभी आकाश आने वाली है, वो शहर में एक नया रेस्टोरेंट खुला है, वहाँ पर मेरी फेवरेट आइसक्रीम मिलती है, तो आज मेरा वो खाने का प्लान है, तो हम सब डिनर के लिए वहीं पर जाने वाले हैं। अनन्या का ऐसा कोई भी प्लान नहीं था, ये उसकी सास और प्राची जानती थी, पर अनन्या अपने मम्मी पापा को एहसास दिलाना चाहती थी कि उसके ससुराल वालों का और अपमान ना ही करे तो उनके लिए बेहतर है। अनन्या के मम्मी पापा लज्जित हो जाते हैं और कुछ ही देर बाद वहाँ से वापस चले जाते हैं। अनन्या की सास और नंद दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। फिर अनन्या अपनी सास और नंद के गले से लग जाती है। चंदनपुर नाम के एक गांव में कोमल नाम की एक लड़की अपनी माँ और पिता के साथ रहती थी। कोमल, महेश और संगीता तीनों एक साथ में हंसी खुशी से रहते थे। महेश ज्यादातर शहर में ही रहता था क्योंकि महेश शहर में एक 5-स्टार होटल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। एक दिन महेश 1-2 दिन के लिए अपने परिवार से मिलने के लिए गांव आता है और आते वक्त कोमल के लिए एक सुंदर सा तोहफा लेकर आता है और उससे कहता है, कोमल बेटा ये लो तुम्हारा तोहफा। गिफ्ट पाकर कोमल बहुत खुश होती है। ओह वाओ, थैंक यू पापा, थैंक यू वेरी मच। और 2 दिन के बाद महेश फिर से शहर चला जाता है और कोमल और संगीता भी अच्छे से रहती हैं। लेकिन एक दिन अचानक संगीता बेहोश होकर गिर जाती है और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाया जाता है। फिर जब महेश को इस बात का पता चलता है तो महेश तुरंत ही गांव में आता है जहां पर डॉक्टर उससे कहती है, देखिए महेश जी, पेशेंट के पास बहुत कम वक्त है, उनकी बीमारी का हमारे पास कोई भी इलाज नहीं है, ये एक अनजान बीमारी है और इसके ऊपर अभी तक कोई भी दवा नहीं बनी है, इसलिए अच्छा होगा कि आप ज्यादा से ज्यादा अपनी वाइफ के साथ समय बिताइए। ये सुनकर तो मानो महेश के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई हो। फिर महेश एक कोने में खड़ा होकर बहुत रोता है। फिर महेश और कोमल संगीता को लेकर घर आ जाती हैं और महेश उसकी अच्छे से देखभाल करने लगता है। कोमल भी महेश के साथ मिलकर अपनी माँ की देखभाल करती है।
लेकिन फिर एक दिन, अरे बेटा कोमल, तुम आज से वापस स्कूल जाओ। मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी माँ की अच्छे से देखभाल कर लूँगा। अच्छा ठीक है पापा। उसके बाद कोमल जाकर अच्छे से तैयार हो जाती है और स्कूल चली जाती है। वो स्कूल में खूब मन लगाकर पढ़ाई करती है। लेकिन कोमल के स्कूल से लौटते ही उसने देखा कि उसके पापा उसकी माँ के पास बैठकर रो रहे हैं। और फिर, पापा क्या हुआ, आप क्यों रो रहे हो इतना? माँ तो ठीक है ना पापा? कोमल, तुम्हारी माँ हमें छोड़कर चली गई बेटा। ये सुनते ही कोमल भी जोर जोर से रोने लग जाती है। संगीता की मौत के बाद कुछ दिन बीत गए। फिर महेश के कुछ रिश्तेदार उसे समझाते हैं कि कोमल अभी छोटी है तो उसे इस उम्र में माँ की जरूरत है, इसलिए तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। फिर अपने रिश्तेदारों के बार बार समझाने पर महेश दूसरी शादी कर लेता है। महेश की दूसरी पत्नी का नाम चंदा था। चंदा एक बहुत ही अच्छी औरत थी। चंदा के पहले पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी और चंदा की भी कोमल की उम्र की एक लड़की थी जिसका नाम हिमांशी था। शादी के कुछ दिनों बाद ही महेश वापस शहर चला जाता है और अब घर में कोमल, चंदा और हिमांशी ही थी। चंदा अपनी दोनों बेटियों की अच्छे से देखभाल करने लगती है और तीनों एक साथ खुशी से रहती हैं। कोमल को कभी भी नहीं लगा कि चंदा उसकी सौतेली माँ है। इधर चंदा ने भी कभी भी कोमल को सौतेली होने का एहसास नहीं करवाया। वो अपनी दोनों बेटियों को बराबर प्यार करती थी। लेकिन फिर एक दिन चंदा को महेश का कॉल आता है। हेलो चंदा, मैं इस महीने गांव कुछ भी पैसे नहीं भेज सकता। क्यों जी, क्या बात है? चंदा, 15 दिन हुए मेरी नौकरी चली गई है और मैं एक नई नौकरी की तलाश में हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई भी नौकरी नहीं मिली है। ठीक है जी, हम यहाँ पर कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। आप यहाँ की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, आप बस अपना अच्छे से ख्याल रखिए। ठीक है चंदा, अब मैं फोन रखता हूँ। और फिर चंदा उस दिन ये सोचती है कि क्या किया जाए। फिर उसे अपने पुराने दिन याद आते हैं, तो वो अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाकर उनसे कहती है, बेटा कोमल और हिमांशी, तुम्हारे पापा का भी फोन आया था। क्या हुआ माँ, सब कुछ ठीक तो है ना? आपका चेहरा उतरा हुआ क्यों है? माँ बोलो ना। बेटा, तुम्हारे पापा की नौकरी चली गई है और वो इस महीने हमें कुछ भी पैसे नहीं भेज सकते, इसलिए हमें कुछ ना कुछ करना होगा। अरे माँ, आपको तो हर तरह के लहंगे सिलने आते हैं, क्यों ना हम तीनों मिलकर वही काम करते हैं? हाँ बेटा, मैंने भी तुम दोनों को यही बताने के लिए बुलाया था और तुमने वही कह दिया। लहंगा सिलने का काम? आप दोनों को लहंगा सिलना आता है क्या? हाँ बेटा, मैं जब मेरे मायके में थी तभी मैंने लहंगा सिलना सीखा था और शादी के बाद घर बैठकर मैं यही काम करने लगी थी और मुझे देखते देखते हिमांशी भी ये काम सीख गई। लेकिन माँ, मुझे तो लहंगा सिलना नहीं आता है। बेटा मैं हूँ ना, मैं सिखा दूंगी तुम्हें लहंगा सिलना। चंदा शादी के बाद आते वक्त अपने साथ जो कुछ पैसे लेकर आई थी, तो उन पैसों से ही चंदा ने एक दुकान किराए पर लेकर लहंगे सिलने की दुकान खोल ली। चंदा और हिमांशी को लहंगा सिलना आता था। वो दोनों अच्छे से लहंगे सिलने लगी और जब वक्त मिलता तब चंदा कोमल को भी लहंगा सिलने का काम सिखाती थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अब कोमल को हर तरह के लहंगे सिलना आ गया था। उन तीनों माँ बेटी की डिजाइन इतने अच्छे होते थे कि कुछ ही दिनों में इनके बनाए हुए लहंगों की तारीफ सभी जगहों पर होने लगी।
फिर चंदा की दुकान बहुत अच्छे से चलने लगी। फिर एक दिन उसकी दुकान पर एक औरत आती है। मैडम, मैंने आपकी दुकान की बहुत ही तारीफ सुनी है। धन्यवाद मैडम, कहिए आपको किस तरह का लहंगा चाहिए? मैडम, हमें हमारे शॉप में बेचने के लिए हर तरह के स्टाइलिश पूरे 200 लहंगे चाहिए। 200 लहंगे? हाँ मैडम, क्या हुआ, आपसे ये ऑर्डर नहीं हो पाएगा क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल पहली बार इतना बड़ा ऑर्डर आया है ना, इसलिए। ठीक है, आप मुझे 20 दिन में 200 लहंगे बनाकर दे दीजिएगा। ठीक है मैडम, आपका काम हो जाएगा। ये लीजिए आपका एडवांस। फिर वो औरत वहाँ से चली जाती है। फिर चंदा, कोमल और हिमांशी ने दिन रात मेहनत करके 200 लहंगों का ऑर्डर 15 दिनों में ही पूरा कर दिया और कुछ दिन घर में ही आराम करने लगी। फिर 2 दिन आराम करने के बाद जब वो फिर से दुकान पर गई तो दुकान में ऑर्डर के सारे लहंगे चोरी हो गए थे। ये देखकर तीनों माँ बेटियाँ रोने लगी और हाय, हमने इतनी मेहनत से इतना बड़ा ऑर्डर पूरा किया था लेकिन सारे लहंगे चोरी हो गए, अब हम उस मैडम को क्या जवाब देंगे? तभी वहाँ पर एक लहंगा था, जब से दुकान खुली थी तब से किसी ने भी उसे नहीं खरीदा था। तभी वो लहंगा अचानक से बोलने लग गया। सुनो चंदा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। ये कौन बोल रहा है? कौन है यहाँ पर? यहाँ देखो, मैं एक लहंगा हूँ। जब चंदा ने वहाँ देखा तो वो एक लहंगा था। चंदा को अपनी आँखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो कैसे बोल सकता है। अरे तुम कैसे बोल सकते हो? चंदा, मैं कोमल की माँ का जादुई लहंगा हूँ, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, रुको। फिर वो लहंगा अपने जादू से चोरी हुए सारे लहंगे को वापस लेकर आ जाता है। फिर ये देखकर चंदा हिमांशी और कोमल बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर 2 दिन बाद वो मैडम आकर उन्हें पूरे पैसे दे देती है और अपना ऑर्डर लेकर वहाँ से चली जाती है। जादुई लहंगे की वजह से चंदा का बहुत बड़ा नुकसान होने से बच गया था। फिर चंदा ने वो लहंगा अपने घर में सुरक्षित रख दिया और महेश को भी फोन करके वापस गांव बुला लिया और उसका लहंगे का बिजनेस भी बहुत अच्छे से चलने लगा। फिर सब कुछ अच्छे से चल रहा था, अब उन लोगों को किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर वो लोग हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।